हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है स्टडी आपकी? हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। बट मेरे सॉल्व कराने से पहले आपने सभी क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तभी आपने लेक्चर की हेल्प लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हम देख चुके हैं भाई, रैशनल नंबर्स की दो ही तरह की एक्सपेंशन होती है, या तो टर्मिनेटिंग होंगी और नहीं होंगी तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा 36/100। तो 36 को हम बीच में रखते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 की टेबल। देखो वैसे तो ना लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नीचे दो जीरो वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दो डिजिट पीछे डेसिमल हमारा चला जाता है। लेकिन यहां करते हैं डिवाइड, 100 की टेबल में 36 नहीं आता तो जीरो लग जाएगी। अब नंबर्स तो खत्म हो गए, तो क्या करो, 36 के बाद पॉइंट लगाओ। यहां पॉइंट लगाया है तो यहां भी लगाओ और जीरोज लगा दो, दो चार जितनी मन करे। अब 36 के साथ एक जीरो को ले लो तो ये 360 बन गया, और 100 की टेबल को ले जाओ, 300। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा डिवीजन में भी प्रॉब्लम होती है, 06 और ऊपर से आप जीरो कैरी करोगे तो 100 6 जा 600, और ये माइनस होकर आंसर आ गया जीरो। तो 36/100 को जब हमने डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चेंट 0.36 आकर खत्म हो गया। तो ये किस टाइप का डेसिमल हुआ? ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से आपने अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सेकंड पर आ जाओ, हमारा है ये 1/11। तो 1 न्यूमिरेटर को बीच में रखा जाता है, न्यूमिरेटर हमारा डिविडेंड होता है, और डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड करना है वो 11 है। थोड़ा मैंने बड़ा सारा इसको छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। 11 की टेबल 1 पे नहीं आती तो 0, फिर 1 के बाद मैंने 8 7 0 इधर लगा देनी है, मेरा जितना मन करेगा। अब 11 की टेबल में 1 नहीं आ रहा था तो मैंने 0 लगाया, पॉइंट के नाम का पॉइंट लगाया, फिर मैंने एक 0 और ले ली तो 10 बन गया। लेकिन 10 भी नहीं आ रहा 11 वनजा पे, तो 11 वनजा एटलीस्ट 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये नहीं जा रहा तो मैंने एक और 0 और लगा दी ना जाने के लिए। फिर मैंने एक 0 को और उधार ले लिया तो 100 बनता है। अब 11 की टेबल को मैं 100 तक लेकर जाती हूँ तो 11 9 जा 99। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ 0, ऊपर से 0 लिया। अब ये 0 को तो भूल जाओ, 10 बचा, 11 की टेबल में 10 नहीं आ रहा तो 0, फिर एक और 0 नोट किया तो 99, फिर 1 आया, फिर ऊपर से 0 लिया तो नहीं जा रहा, फिर एक और 0 लिया, 100 हमने, तो 11 9 जा 99। और आप देखो यहाँ 1 रिमाइंडर था, फिर 1 है, फिर 1 है, मींस ये प्रोसेस मेरा चलता चला जाएगा। तो 1/11 जब मैंने किया तो 0.09 09 09 09, मैं इसे लिख सकती हूँ 0.09 बार, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग डेसिमल है। आसान सा क्वेश्चन, मजेदार है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पर आ जाइए। 4:1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। थर्ड 4:1/8, 8 4 जा 32 + 1 33/8, 33 को सेंटर में रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल को 33 तक ले जाओ तो कितना होता है, 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1, 0.000, जैसे ही यहाँ पॉइंट लगाओ यहाँ भी लगा दो, 0 लिया, 8 की टेबल को 10 तक ले जाओ, 8 1 जा 8 2, ऊपर से 0 लिया, 8 2 जा 16 4, ये बाय चांस मेरी 0 यहाँ ख़त्म हो गई है, वरना आप जितना मन करे उतनी जीरोज लगा सकते हो, 8 5 जा 40, और मेरा डिवीजन भी ख़त्म हो गया है। तो जो मेरा आंसर आया है वो आया है 4.125, एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगले पार्ट पर चलते हैं, 4:3/13 टेबल्स आनी चाहिए। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो रही है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म हो रहा है कि भाई रैशनल नंबर्स को हम दो ही टाइप की डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ है बेटा जी 3/13, 3 लिया, 13 से डिवाइड करना है तो ये चल पड़े पॉइंट, 13 की टेबल में 3 नहीं आ रहा तो 0.0
अरे ये इधर जीरो लगेंगी ना, 30, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, 4 ऊपर से जीरो लिया, 13 3 जा 39। रिमाइंडर को चेक करते रहो, जैसे रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा डिवीजन भी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 10 में से 9 गए 1, 0 ऊपर से हमने जीरो लिया, 13 की टेबल में 10 नहीं आता तो ना जाने की जीरो, फिर एक और जीरो मैंने लेना है। 13 7 13 7 जा 91, 10 में से 1 गया 9 ऊपर से मैंने उतारा जीरो, 13 6 तो 13 7 6 जा 78, 2 और 8 में से 7 गए 1, 0 कम पड़ रही हैं और लगा लो, 13 7 119। ध्यान देंगे भाई, 10 में से कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट मिनट भाई, यस कुछ गड़बड़ मैंने की है। 13 निम्मा, यस 13 9 जा, गलत ले रही थी मैं टेबल, 17, और ये आ गया 3। 3 से मैंने डिवीजन शुरू किया और 3 पे मेरा फिर स्टार्ट हो गया, यानी यही प्रोसेस मेरा फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 3/13 का 0.230769 की रिपीटेशन यहाँ से फिर हो जाएगी स्टार्ट। क्यों 3 से स्टार्ट किया था, 3 पे पहुंच गए तो फिर वही 230769 आएगा, फिर 230, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब आ जाओ भाई 5th पार्ट पे, 2/11। मजा आ रहा है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना 4th 5th में डिवीजन, वो काम हमें यहाँ मिला हुआ है। तो 5th पार्ट हो गया बेटा 2/11, 2 को बीच में रखा, 11 से कर रहे हैं डिवाइड, तो 0 आ चुका है, वैसे 1/11, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे लेकिन हम डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 11, 9 ऊपर से आप 0 लोगे, 11 8 जा 88, 2 फिर से वहीं आ गई है, तो भाई चलो कोई नहीं, फिर कर लेते हैं एक बार डिवाइड, तो 11 1 जा 11, ये तो छोटा सा है ना तो इसको दोबारा से कर लिया मैंने, 11 8 जा 88, फिर 2 पे आ गए, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, यानी 1818 आता रहेगा, तो 2/11 आ जाएगा 0.18 बार। और ये लिखना जरूर है, मैं नहीं लिख रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। और अब आ जाओ लास्ट 6th पार्ट पर, 329/400, ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं 6th पार्ट की, 329 को डिवाइड करेंगे 400 से, 400 1 जा 400, तो 1 पे ही नहीं जा रहा तो और तो आगे मतलब ही नहीं, तो 0 लग जाएगी, 0.0। 4 8 जा 32, तो यहाँ 8 पे जाएगा तो 8 4 जा 32, 100 बन जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है भाई, 4 8 जा 32, पीछे 2 जीरो लग गई, 0 9। अब जीरोज अपनी मर्जी से आगे लगा लो, तो 1 जीरो ये आ गया, 400 2 जा 800, 0 0 1 आ गया, फिर 0 लिया, और 4 5 20, 2 पे ही फिर जाएगा ये 800 0 0 2, और फिर मैंने 1 जीरो उतारा तो 4 5 जा 20, और मेरा डिवीजन यहाँ फिनिश हो गया, और ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मज़ेदार था। सेकंड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है आपका। देखो आपको क्या कहता है ये कि वन, देखो 1/7, एग्जाम्पल नंबर 5 में 1/7 का डिवीजन मैं आपको करवा चुकी हूँ, एंड इट सेज दैट यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो अपना, अभी बुक पलट के अपना जल्दी से, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। समझ आया, ये कहता है कि 1/7 हम कर चुके हैं, क्या बिना डिवाइड किए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 फाइंड कर सकते हो? तो यस, 2/7 कैन बी रिटन एज 2 × 1/7, और आई कैन राइट इट एज 2 × 1/7 ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 आ गया भाई, 2 1 जा 2/7, और 1/7 की वैल्यू आपके पास है, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार,
इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल वर्बल है। 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0.0 बार जरूर लगा देना, ये वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो 1,42,857 को लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे चलूं, ऐसे ही 3/7, तो 3 × 1/7, ठीक है। 3 बाहर, 1/7 का मतलब है 0.142857 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 0। एक बात और नोट करना आप यहाँ पर, 1/7 में जो डिजिट्स रिपीट हो रही थी वो 1 4 2 8 5 7 थी, यहाँ भी 1 4 2 8 5 7 है, यहाँ भी 1 4 2 8 5 7 ही हैं, ठीक है। आगे ये कहता है 4/7, तो ऐसे ही 4/7 को फाइंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 0.142857 बार। अब मैं कैलकुलेशन करती हूँ हिंदी में, क्योंकि मेरी कमांड हिंदी पर थोड़ी ज़्यादा है, आप अपना इंग्लिश में कर लीजिएगा। 4 7 28, 2 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 3, ये देखिए ये आ गई हमारी अगली प्रोडक्ट 4/7 की, ठीक है। वही आ गया ना 1 4 2 8 5, देखो आप एक क्रम देखो, एक सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस नहीं टूट रहा। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 है, 7 है, 1 4, फिर इधर आ गए 2 8 5 7, इधर देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8, इधर आ गए 5 7। 1/7 का जब आप डिवीजन देखोगे तो वहीं से आपका रिमाइंडर स्टार्ट होता चला जाता है। अगला है 5/7, तो 5 × 1/7 करो, 5 × 0.142857 का बार लो, तो यहाँ 5 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बन, देखो यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 के बाद 7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पैटर्न को पकड़ना। मैं, मुझे पता लग गया कि 5 7 जा 35 एंड में आ रहा है, तो 5 से अगला लेटर क्या है, अगला डिजिट क्या है, 7 है, 7 से अगली डिजिट 1 4 2 8 है, आप करके देख लेना यही आएगा। और जब मैं 6/7 की बात करती हूँ तो 6 × 0.142857, 6 7 42, आखिर में 2 आ रहा है, तो 2 के जस्ट बाद क्या आता है, 8, जो यहाँ आ जाएगा 8 5 7, 7 के बाद 1 4, और तो ये आपका 6/7 आ गया। बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और उन्हें हमें पी बाय क्यू में कन्वर्ट करना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। पहला है हमारा 0.6 बार, हम इसे एक्सपोज कर लेते हैं 0.6 बार, और इसे मैं लिख सकती हूँ 6 6 6 6 6 ……, एंड आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या बताया था, जितनी भी डिजिट्स रिपीट करती हैं 1 के पीछे उतनी जीरोज लगानी है, केवल एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है तो 1 के पीछे सिंगल जीरो लगाएंगे, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 1 प्लेस आगे चला जाएगा, तो 6.6666 और ये आ जाएगा। अब आप इसको चाहो तो 6 + 0.666 लिख सकते हो। ध्यान देना, मैं बार बार दोनों तरीकों से बताने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ, तो ये तो 6 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी x हो जाएगी। x को एक तरफ ले आओ, मैं इसको यहाँ इसके नीचे ला रही हूँ, x इज इक्वल टू 0.66666 - इनको हम कर देते हैं भाई अब सब्ट्रैक्ट,
तो ये डैश 0000.6 में से 0.6 और 10 में से बन गया 9x। 6.0 का मतलब 6 होता है, तो 9x का मतलब 6, 9x की वैल्यू 6 आ गई, x 6/9 आ गया, 3 2 जा 3 3 जा 9, 2/3 हमारी वैल्यू आ गई। आप 2 को 3 से डिवाइड करके देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है भाई, ध्यान देंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार, बार केवल 7 पर है, जो बार का साइन है वो केवल और केवल 7 पर है, यानी कि 4 तो एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद 7 ही आ रहा है। तो हमने दोनों साइड्स केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा 4 से आगे, 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब यहाँ मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको इसके नीचे यहाँ पर ले आओ, ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी, 1 को 2 के नीचे ले आओ, तो यहाँ तो x लिखो, पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ 0.4777 है, तो यहाँ 4777 एंड सो ऑन। दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख दिया और अब हम इन्हें कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो डैश ध्यान से करना, अब 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, और 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3, और 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4, और 10x में से x माइनस करोगे तो 9x आएगा। और डेसिमल के बाद जितनी जीरोज होती हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो इधर तो 9x रह गया और ये 4.3 आ जाएगा। इस डेसिमल को भी हटाओ तो ये 43/10 बन जाएगा। अब 9 को राइट साइड में ले जाओ तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 43/90 हमारा आंसर आ जाएगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन की P/Q फॉर्म आ जाएगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे लिखना जरूर है। अब हम कर रहे हैं भाई थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल सिंपल है, 0001 है और पूरे पर हमारा बार है, 0.0001 है और पूरे पर बार है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, 0.0001, लेट मी चेक द स्टेटमेंट वंस, 001 है भाई, 001 है, सॉरी मुझे डाउट हुआ ना तभी मैंने देखा, 001 है ये, 001 थ्री डिजिट्स हैं, डिजिट्स 3 हैं, तो 001 001 001 001 001 इनफाइनाइट टाइम्स आप राइट कर सकते हो, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ भाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड्स, तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x। अब ध्यान देना, जब इधर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहां से हटकर 3 डिजिट आगे, 1 2 3 डिजिट आगे यहां चला जाएगा, 1 के आगे चला जाएगा, और 1 से पहले सारी जीरो हैं, मत लिखो भाई, इस 1 से पहले सारी जीरो हैं, कोई मतलब नहीं है अगर डेसिमल यहां चला जाता है तो, ये बन गया 1.00, इमेजिन करो ना यहां डेसिमल आ गया तो 1.001 001 001 एंड सो, क्लियर है। इसको मैं 1+0.001 भी कर सकती हूं, इसको अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हो एक्स वाली फॉर्म में, ये वही बच्चा मुझे लगता है कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है, और हर बच्चे की कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मुझे ये सब्ट्रैक्ट वाला मेथड आपके लिए कन्वीनियंट लगता है कि एक्स को इधर ले आओ, इक्वल टू पॉइंट से ये तो जाने के बाद तो यहाँ आया है ना, अभी तो ये तो यही है, तो यहाँ 0.001 001 001 एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, 1000x में से x 1 गया तो 999, ठीक है 999x, और ये सारा 1 में से 1 गया 0.0001 यानी 1, 999x 1 आ जाएगा और x की वैल्यू 1/999 आ जाएगी। और अभी मैं यहाँ साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कराने जा रही हूँ, जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कहता है कि 0.9999 को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड यू विल गेट एन अमेजिंग आंसर, आप देखेंगे कि क्या आता है। तो
इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, नाइन की रिपीटिशन हो रही है तो एक ही डिजिट है तो टेन से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये यहाँ चला जाएगा 9.9999, और इसको इसके नीचे ले आओ तो 0.9999 डैश, बहुत ही मज़ेदार आंसर आएगा। माइनस कर दो, 10x में से 1x माइनस करोगे 9x, इधर ध्यान दो सब जगह नो चल रहा है तो डिफरेंस जीरो आएगा, पॉइंटर नो में से जीरो गया नो, 9x इज इक्वल टू 9, ध्यान दो 9.0 मीन्स 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 और कितना आ गया 1 आ गया। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार आंसर नहीं है क्या कि भाई 1 आ गई वैल्यू, फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या आ गई 1/1 आ गई, मीन्स ये क्या कहता है कि 0.999 इनफाइनाइट टाइम्स आ जाए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ योर 4 क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर एनी क्वेरी डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।